औरत बिगड़ गई तो कोई सुधार सकता, काट दो मार दो। केवल सुनिए महेश्वरी जी, औरत के अंदर एक बड़ी खूबी है जो खुल के कह सकती है किसी भी तगड़े से तगड़े मर्द को कि आ चले मार दे। एक बार हाथ उठा के कहो सही बात है कि नहीं है? पर कोई माई का लाल पुरुष नहीं कह सकता इस बात को, क्या मार दे मुझको, देख लो। क्योंकि पुरुष अपने क्रोध से महिला को ठिकाने ला सकता, झगड़ा बढ़ जाएगा, क्लेश बढ़ जाएगा, पर लाइन पे नहीं बात बैठेगी। पर महिला कर सकती है ऐसा, ये मेरी तरफ से नहीं है, खाली मैं समझा रहा हूं मेरी भाषा में, ये शास्त्र में सब बातें दी हुई हैं। महर्षि चाणक्य कहते हैं, महर्षि चाणक्य ने ये बात बताई है मुझको, चाणक्य नीति में ये बात है। महर्षि चाणक्य कहते हैं, स्त्री के अंदर पुरुष से 8 गुनी शक्ति ज्यादा है, इसलिए स्त्री थोड़े ज्यादा दिन जीती है पुरुष से, पुरुष थोड़ा 10 साल पहले सटक जाता है। काफी दिन स्त्री को बुढ़ापे में अकेला खचड़ना पड़ता है, क्योंकि 8 गुनी शरीर में शक्ति ज्यादा है पुरुष से, केवल रीढ़ की हड्डी कमजोर है। भोजन दूना लाज 4 गुनी, पुरुष से महिला भोजन दूना करती है डबल, और पुरुष से लाज 4 गुनी महिला में ज्यादा होती है। पुरुष में अगर 20% शर्म है तो महिला में 80% शर्म होती है, लाज होती है। महिला बड़ा सोच समझ के करती है कोई काम, पुरुष कम सोच के करता है। महिला बहुत सारी चीजों में पर्दा रखती है, पुरुष नहीं रखते हैं, ये बात मनुस्मृति में कही है। भोजन दूना लाज 4 गुनी, काम 8 गुना बतलाते हैं। पुरुष से कई गुना काम महिला ज्यादा कर सकती है, पुरुष कम कम करता है, और इसीलिए अब महिलाओं की नौकरी ज्यादा लग रही है और पुरुषों की कम लग रही है। किसी भी ऑफिस में अगर महिला नहीं है तो वो ऑफिस काम का नहीं, ऐसा समझो, ऐसा समय आ चुका है। क्योंकि पुरुष के अंदर बेईमानी बहुत है, आलस्य बहुत है, ये काम चोर होता है। स्त्री काम की वफादार होती है।